जय गुरु जी। संगत जी, कोई भी संगत एक बार कंफर्म कर दें कि आवाज ठीक ठाक आ रही है। निशा आंटी, थैंक यू सो मच आंटी फॉर कंफर्मिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू नीतू आंटी, थैंक यू सो मच संगत जी फॉर ज्वाइनिंग। गुरु जी ने हम सबको एक मौका फिर से दिया है जुड़ने का, उनकी उस्तत करने का, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का, और बहुत खुशी हो रही है कि गुरु जी हमको ये मौका देते हैं रब की वडियाइयाँ करने के लिए। और ईश्वर की वडियाइयाँ करने से जो हमारी वाइब्रेशंस हैं बोलने वाले की और सुनने वाले की, दोनों की क्लियर होती हैं वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, और बहुत ही हमारी एक शुद्धि होती है और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। और गुरुजी ऑन टॉप ऑफ दैट, गुरुजी हम सबको ब्लेस भी करते हैं, सत्संग शेयर करने वाले को भी और जो सत्संग सुन रहा है उसको भी। तो ये दोनों की सेवा होती है मिलकर जो हम गुरुजी की वडियाइयाँ करते और सुनते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। एंड एक्चुअली ये एक साल के बाद मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ इन अ नॉर्मल वे, जो एक नॉर्मल सत्संग शेयर करते हैं, क्योंकि एक साल गुरुजी ने मुझे एक बहुत ही प्यारी सेवा पे लगाया हुआ था, और वो थी जपजी साहब जी की व्याख्या। अभी अंदर ही इतने स्ट्रांग थॉट्स आए थे कि मैंने खुद ही कहा था कि मैं जपजी साहब जी की व्याख्या करना चाहती हूँ, जबकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था वो कैसे करूँगी मैं। मेरे पास कोई बुक भी नहीं थी, मेरे पास कोई नॉलेज तो है ही नहीं, वो तो भूल ही जाऊँ। और फिर भी अंदर से गुरुजी ने इतने स्ट्रांग थॉट दिए कि मुझे वो सेवा करनी है। और लुक एट गुरुजी इज डिवाइन प्लानिंग, सच अ ब्यूटिफुल प्लान गुरुजी का। ऐसी चीज़ें होती हैं तब पता चलता है दैट देर इज़ अ डिवाइन हैंड बिहाइंड ऑल द सेवाज विच हैपन। कि गुरुजी ने ये सेवा शुरू करवाई उनके बर्थडे के दिन 7th of July 2021, और ये सेवा ख़त्म करवाई, कंप्लीट करवाई 6th of July 2022। तो पूरा एक साल, 365 days, हु कैन प्लान इट, हु कैन प्लान इट। मैंने बीच में एक दो हफ्ते छुट्टियां बीच में लेती रही, क्योंकि पर्सनली भी बहुत चेंजेस हो रहे थे, और किसको पता था कि ये सब डिवाइन प्लान गुरुजी का है। एक हफ्ता पहले नहीं, एक हफ्ता बाद भी नहीं, गुरुजी ने जब कंप्लीट करवाना था गुरुजी ने तब करवाया। तो ये पूरे की पूरी एक साल ये सेवा चली, और हम सब ने मिलकर सीखा, मैंने भी सीखा, गुरुजी ने मुझे सिखाया, हम सारी संगत को सिखाया। मेरी रसना में खुद गुरुजी ही बैठे होंगे, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं था जपजी साहब जी की व्याख्या करने के लिए। जहां मैं खुद एक, मुझे लग रहा था जैसे एक यूनिवर्सिटी में जा बैठी हूँ और गुरुजी बस पढ़ाए जा रहे हैं और मैं पढ़ी जा रही हूँ जहां जहां वो संकेत दे रहे हैं। काफ़ी बीच में कन्फ्यूजिंग था, काफ़ी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बीच में आते हैं, एंड फिर मैं सच में घबरा गई थी, काफ़ी सारी पौड़ियों में बीच बीच में घबरा रही थी मैं कि अब मैं इसको कैसे कैसे बोलूंगी जब मुझे खुद ही इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। तो गुरुजी तो हैं, गुरुजी ने जिस सेवा दी है तो गुरुजी अपनी बेटियों की लाज भी रखेंगे। एनीवे दैट इज़ ऑन अ पर्सनल बेसिस, बट गुरुजी ने ये सेवा करवानी थी बिकॉज इट वाज अबाउट गुरबानी। तो हम जैसे जिनको कुछ नहीं पता, मुझे उन्होंने वहाँ संकेत दिया, वहाँ पे यूट्यूब वीडियोज सुनवाए अलग अलग, जिससे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट मुझे लगता है क्लियर हुआ। और जब क्लियर होता है तभी कन्विक्शन से बोला जा सकता है, नहीं तो नहीं। तो ये सब गुरुजी ही करवाते हैं। बीच में एक पौड़ी आई थी जिसमें जो मैंने व्याख्या सुनी थी संत महापुरुषों की, ज्ञानी की, और उनकी अलग अलग प्रोफेसर्स की, तो उसमें ये बिल्कुल मेंशन नहीं था जो मैंने अपने सत्संग में बोला। और वो मैंने बोला पौड़ी नंबर 16 में अनहद नाद के बारे, कि दैट वॉज द साउंड, द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, एंड दैट वाइब्रेशन स्टिल एग्जिस्ट्स इन ऑल द लिविंग बींग्स, इन ऑल द क्रिएशन ऑफ गॉड। और मैं बोलती गई इसके बारे दो मिनट या कितना, एंड बोलने के बाद मैं पछता रही थी कि ये मैंने क्या बोला, और ये मैंने क्यों बोला, और ये शब्द कहाँ से आए, और ये कैसे हुआ। क्योंकि जब मैंने जो व्याख्या सुनी थी, जो भी मुझे जो मैं पढ़ाई करती थी और नोट्स बनाती थी, उनमें से तो किसी ने भी ये बोला ही नहीं और मेंशन भी नहीं किया। तो मैं कौन होती हूँ गुरबानी के नए मीनिंग्स लाने के लिए या कुछ ऐसा ऐड करने के लिए जो वहाँ पे मेंशन नहीं है। तो मैं काफ़ी घबरा गई कि ये कैसे शब्द निकले, और इतना कैसे कंप्लीट सेंटेंसेस भी निकल रहे थे, और ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे जिसके बारे मैं क्या जानूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, सिर्फ थोड़ा सा सुना हुआ है मेरे उसके बारे, अनहदनाद की पानी के बारे, और वो हाउ द स्पिरिचुअली एलिवेटेड पीपल कैन लिसन टू दैट म्यूजिक 24 आवर्स
और वो कैसे भगवान ने, प्रभु ने, परमात्मा ने एक ओंकार की धुन के साथ पूरे यूनिवर्स को वाइब्रेशन से क्रिएट किया। तो मैं थोड़ा सा घबरा गई थी सच में संगत जी, और मैं इतना तक भी सोच रही थी कि अगले हफ्ते मैं माफ़ी मांगूंगी क्योंकि ये जो है ये मेरा एडिशन है, ये कहीं मैंने सुना नहीं है। लेकिन गुरु जी ने मुझे रीअश्योर करवाया उसी दिन, क्योंकि एक किताब मैं पढ़ती थी जपजी साहब जी के बारे, जो उस पौड़ी के पहले मैंने नहीं पढ़ी थी उस दिन। तो मैं इतनी घबराई हुई थी कि मैं वापस सारी व्याख्या सुन रही थी और मैं वो किताब भी पढ़ रही थी। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, इट इज रोंगटे खड़ी करने वाली बात है कि मैंने जो 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 शब्द मैंने व्याख्या के समय इस्तेमाल किया तो गुरु जी ने ही करवाया, क्योंकि वो एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट, वही मीनिंग, वही पूरा का पूरा वॉज मैंशनड इन दैट सेम बुक। एंड मैं तो हैरान हो गई, उसी सीक्वेंस में भी मैंशन था। तो तभी मुझे पता चला कि गुरु जी संकेत भी देते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं करवा रहा हूँ, इट इज़ नॉट यू, इट इज़ नॉट योर डूइंग। करते हैं हम, नाम हमारा करते हैं गुरु जी और नाम हमारा हो जाता है। तो गुरु जी करवा रहे थे इसलिए बहुत एक रीअश्योरेंस थी दैट गुरु जी हैज़ माई बैक, और जो भी शब्द निकलेगा, ऑफकोर्स मेहनत गुरु जी करवा रहे थे, लेकिन वो गुरु जी हेल्प कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये सिर्फ मेरे नॉलेज या मेरे स्पिरिचुअल एलिवेशन की बात नहीं थी, यहाँ पे संगत जी जुड़ी हुई थी। देयर वर सिंसियर संगत जो वीक ऑन वीक एक भी शब्द मिस नहीं करते थे। अगर वो लाइव आ सके तो लाइव, नहीं तो वो ऑफलाइन मोड में वो ज़रूर देखते थे। और अभी अगर कभी उनका मिस हो जाता था तो वो मुझे कॉन्टैक्ट करते थे कि भाई वो मुझे मिल नहीं रहा, वो वाली पौड़ी मुझे सुननी है, वो मेरी रह गई है। तो इट वॉज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वो हमारे बस की बात ही नहीं है। ये ऐसी सेवा पूरी करनी, हम अपने आप को जो मर्जी समझ लें, हमारे बस की बात होती ही नहीं है। ये गुरु जी ने करवाई सेवा, उन्हीं की प्लानिंग थी, उन्हीं के डेट्स थे और उन्हीं के शब्द थे। सो रोम रोम से गुरु जी का हम सब मिलके शुक्राना करते हैं, बिकॉज इट वॉज नॉट माई सेवा, इट वॉज ऑल ऑफ अस हु वर लर्निंग टुगेदर फ्रॉम गुरु जी। एंड गुरु जी ने भाई मतलब इतना डिवाइन एक साल काटा है कि मेरे पास कोई, मैं निःशब्द हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है ये मैंशन करने के लिए, बिकॉज आई रियली इन्जॉयड डूइंग दिस सेवा। एंड इतना थियोरिटिकली गुरु जी ने नॉलेज गेन करवा दी, अब गुरु जी वेट करेंगे कि बस हम प्रैक्टिकली उसको करते हैं या नहीं करते। तो वो हमारे ऊपर है, हमारी मेहनत है और हमें वो करना चाहिए जो हमने सीखा, जो गुरु जी ने हमें सिखाया। एंड संगत जी, इसी बात पे मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि अक्टूबर की बात है, लास्ट ईयर 2021 में एक रैंडम थॉट आता है ना लोगों में, तो मेरे में भी आते हैं। एंड रैंडम थॉट ये था कि मैं जानती हूँ कि नई संगत और पुरानी संगत ऐसा कुछ होता नहीं है, जिसका जब टाइम आता है गुरुजी उसको तब जोड़ते हैं। और वो सारी कहानी जो चिट्ठा पट्ठा हमारा है, लेखा पिछले जन्मों का, वो गुरुजी जानते हैं एंड गुरुजी जानी जान है। तो इट इज़ नॉट कि जो पुरानी संगत है वो ज़्यादा ब्लेस्ड है या नई संगत है वो कम ब्लेस्ड है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको सच बताऊंगी, मैं कन्फेस करूंगी कि लास्ट ईयर अक्टूबर में मेरे मन में थोड़े थोड़े ख्याल चल रहे थे कि मैं जानती हूँ ये तो गुरुजी का प्लानिंग है कि कब किसको अपने साथ जोड़ना है, लेकिन जो भी बोलो जो पुरानी संगत है थोड़ी सी तो हमसे ज़्यादा लकी है, क्योंकि उन्होंने गुरुजी का स्पर्श किया है, गुरुजी का मालिश की है, उन्होंने हनी आते हुए देखा है, अमृत आते हुए देखा है गुरुजी के बदन से, उन्होंने गुरुजी से हूबहू बात करी है, कॉन्वर्सेशन डायलॉग जो हम सिर्फ कभी कभी जब गुरुजी ब्लेस करते हैं तब कर सकते हैं, सपनों में या अपने जब विजन दिखता है या कई लोग मेडिटेशन करते हैं तब। तो मैंने कहा जो भी बोलो, वो पुरानी संगत थोड़ी सी तो डेफिनेटली लकी है हम लोगों से। और मैं बस ये थॉट्स आए, और जैसे थॉट्स आते हैं वैसे थॉट्स चले भी गए, और बस बात आई और बात गई, बस इतना मैं जानती हूँ। और संगत जी, 1 नवंबर को गुरु जी ने ड्रीम दर्शन दिए एंड गुरु जी ने कहा कि गुरु जी बैठे हुए थे एंड अपने आसन पे और सीरियस थे, उनका फेस सीरियस था, वो बिल्कुल स्माइल नहीं कर रहे थे। और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ, एक और बात बिफोर आई से दिस, एक और बात कि मैंने ये भी अक्टूबर में, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बोलना ही भूली, अक्टूबर में जब मैं ये सब ख्याल आ रहे थे मुझे कि पुरानी संगत ज़्यादा लकी है थोड़ी सी, तो तब मुझे ये भी ख्याल आया था कि गुरुजी ने जो भी है कई लोगों को उनके मुंह पे बोला है कल्याण किता, हाँ जो मंगना है मंगल है कल्याण किता। तो मैंने कहा कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये, और ये तो मतलब जन्मों जन्मों की ब्लेसिंग आती है कभी, ऐसे मैं सोच रही थी। तो 1 नवंबर को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए संगत जी,
और एक सीरियस फेस में कहा कि मंग की मंगती है, एंड ड्रीम में मैं बस हैरान हक्की पक्की ड्रीम में, और मैं गुरुजी को देख रही हूँ, एंड संगत जी यू वोंट बिलीव, जैसे एक फिल्म का एक रील होती है लंबी जो अनएंडिंग रील चली जाती है, वैसे मेरे मन में ना रील, मतलब कि मुझे पता भी नहीं था कि मेरे जिंदगी में मुझे इतने डिमांड्स हैं, मेरे मन में ना रील चली जाए, ये 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 लिस्ट, इतनी लंबी लिस्ट मेरे मन में चली जाए, लेकिन मैंने मुंह नहीं खोला मैंने, और उस टाइम मुझे पता चला कि मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अंदर इतनी ख्वाहिशें हैं, मुझे इतना कुछ चाहिए, और मैं मतलब इतना मैं ये मांगू नहीं मांगना नहीं है, और इतनी लंबी लिस्ट चली जाए। फिर गुरु जी ने थोड़ी देर वेट करने के बाद कहा, ऐसे कोई भी एक चीज मांग ले, कोई भी एक चीज। मैंने बस गुरु जी को देखा, मैंने कुछ नहीं बोला अपने मुंह से, और आई कुड हैव बीन मच बेटर, लेकिन यही था सपना, और फिर बस सपना मेरा ख़त्म हो गया। एंड अगले दिन मुझे हूबहू सारा का सारा सपना याद था, और मैं पूरा दिन गुरुजी को याद करती रही, गुरुजी से बातें करती रही, और बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने बस इतना प्रूव किया कि एक्चुअली में देर इज़ नो ओल्ड संगत एंड न्यू संगत। मेरे मन में एक फ्लीटिंग सा थॉट आया कि गुरुजी ने जो भी है संगत को बोला है कल्याण किया, एंड कल संगत को बोला है मंग जो मंगती है, कितनी सारी पुरानी संगत है जिनको गुरुजी ने ऐसा बोला है, लेकिन गुरुजी ने ड्रीम दर्शन देकर गुरुजी ने ये प्रूव किया कि गुरुजी इज राइट हियर, हमारे पास है, हमारे अंग संग है, हम सबके पास बीच में बैठे हुए हैं, अभी भी हमारे साथी हैं, एक एक शब्द सुन रहे हैं, और हम सबके भाव देख रहे हैं। सो रोम रोम से गुरुजी का शुक्राना है कि इस नाचीज को गुरुजी ने एक पॉइंट प्रूव किया, एंड थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना तो हम कर नहीं सकते आपका, सो थैंक यू अलॉट टू अवर लॉर्ड गुरुजी। सो संगत जी ये वाला सपना आया, एंड उसके बाद बस बीच बीच में गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते रहते हैं। इन द मीन टाइम हम लोग का हैदराबाद, मैं बैंगलोर में रहती थी, और हमारा हैदराबाद ट्रांसफ़र होने का की बात चल रही थी, और मैं काफ़ी घबरा रही थी कि हैदराबाद आना है नहीं आना है, अभी हम रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं ट्रांसफ़र, और हैदराबाद आना ठीक रहेगा, व्हाट इज़ द रियल रीज़न, जबकि मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, तो लेकिन फिर भी मेरे मन में एक नर्वसनेस था, और मैं सोच रही थी कि मतलब सब कुछ ठीक ठाक ही तो है बैंगलोर में, घर भी ठीक है, ऑफिस बिल्कुल 2 मिनट के डिस्टेंस पे है वॉकिंग, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चे का स्कूल यहीं पे है, अच्छा है, स्कूल भी अच्छा है, बस जो जो थॉट्स हम लोग के लिमिट्स में है, जो हम सोच सकते हैं हम वही सोच रहे थे, और मैं सोचे जा रही थी कि मैं फिर हैदराबाद जाऊँ एंड एवरीथिंग, यू नो, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस चल रही थी, 2 हफ्ते 3 हफ्ते चलती रही। और फिर एक संगत आंटी हैं, ओल्ड संगत हैं, उन्होंने, मैं 6 मंथ्स या 5 मंथ्स उनके साथ इन टच नहीं थी, किसी मतलब नहीं रह पाई, और सडनली उनका एक मैसेज आता है सुबह 6 बजे, उन्होंने एक पोस्टर भेजा दैट यू नो थिंग्स नीड टू गेट डिस्टरप्टेड एंड कम्प्लीटली चेंज्ड फॉर बेटर थिंग्स टू कम। मैं जो वर्डिंग्स हैं, हो सकता है थोड़ा गड़बड़ कर रही हूँ, एग्जैक्ट ये वर्डिंग्स नहीं थे, लेकिन उसका जो मीनिंग ये था कि अच्छी खासी जो जिंदगी है उसको कभी कभी डिस्टरप्ट करनी पड़ती है ताकि आपकी नई जिंदगी शुरू हो पाए। तो मैंने कहा, आंटी ने मुझे ना जय गुरुजी भेजा, ना गुरुजी का कोई स्वरूप भेजा, ना गुरुजी की कोई मैसेज भेजी, आंटी ने ये वाला मैसेज भेजा है जो बिल्कुल एप्लीकेबल है मेरे इस टाइम पे, तो ये गुरुजी ही तो भिजवा सकते हैं, उनको थॉट आया मेरा, और ऐसे पोस्टर देखकर थॉट आया जो पोस्टर मुझे बिल्कुल आंसर करता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और एग्जैक्टली वही आंसर करता है जो मेरे मन में चल रहा था कि जब सब ठीक ठाक चल रहा है तो इसको डिस्टर्ब क्यों करें हम कहीं और जाने के लिए। तो एग्जैक्टली उसका आंसर गुरुजी ने भेजा। गुरुजी ऐसे ही कन्वे करते हैं अपनी ब्लेसिंग्स, अपना जो भी मैसेज पास ऑन करना पड़ता है, संगत कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है उसमें, ये तो मैंने देखा है। फिर सेकेंड चीज़ जिसके लिए मैं नर्वस थी कि एक महीना पहले आके मैंने बेटे का ट्रांसफर का सॉरी मेरे बेटे का मैंने स्कूल एक फिक्स करवाया था यहाँ पे, 1 लाख रुपए फीस भी दी थी मैंने, और उसने फिर ऑनलाइन क्लासेस बैंगलोर में अटेंड करना शुरू किया, जब तक हम ट्रांसफर मतलब सारा सामान पैक करके यहाँ पे आए तब तक हमने ऑनलाइन क्लासेस ऑप्ट किया था। तो जैसे ही उसकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई उस नए हैदराबाद स्कूल में, तो 2 दिन में 3 दिन में मेरा बेटा बोलता है कि ये क्या स्कूल है,
ही इज वेटिंग फॉर टीचर्स टू कम, टीचर्स आ नहीं रही हैं, और जबकि इतना मशहूर स्कूल है यहाँ का, नाम के वास्ते इंटरनेशनल स्कूल है, और मैं तो बड़ी डिस्गस्टेड हो गई कि ये कैसा स्कूल है जहाँ हम वेट किए जा रहे हैं, बच्चा टीचर आ नहीं रही, टीचर आ रही है तो वो ध्यान नहीं दे रही, 35 मिनट की क्लास में 10 मिनट के लिए टीचर आ रही है, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि ऐसे स्कूल में हम बच्चे को पढ़ाएं, और ना मेरे बेटे का मन कर रहा था कि बिकॉज ही वॉज नॉट एंगेज्ड एट ऑल। तो फिर हमने स्कूल वालों से बात करके हमने एडमिशन कैंसिल करवाई। खैर उन्होंने कहा कि वो थोड़े से पैसे वापस करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किए। चलो ठीक है, हमारे पैसे जाने होंगे या जो भी नुकसान होना होगा तो वो हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे फिर जो मैं नर्वस फील कर रही थी कि मैं आऊं कि नहीं, दिस वाज आल्सो वन मोर रीजन कि जब शिक्षा ठीक ठाक चल रहा है और स्कूल इतना खराब निकला तो मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन कराऊं वो कैसा निकलेगा हैदराबाद में पता नहीं, और मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो मैंने फिर गुरुजी से बात करी, हमारे पिताजी, हमारे प्रभु, हमारे अंग संग जो हमारे दाता हैं, गुरुजी से मैंने बात करी, और मैंने कहा गुरुजी आपको तो पता ही है मेरे मन में क्या चल रहा है, जस्ट गिव मी सम इंडिकेशन कि बच्चे का स्कूल सेट हो जाए तो वहाँ जाएं या नहीं जाएं, मतलब किसी भी वे में आप इंडिकेशन। स्कूल के बारे खैर मैंने नहीं किया कहा सॉरी, मैंने हैदराबाद के बारे पूछा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कई बार हम लोग कुछ डिसीजंस ले लेते हैं और जो गुरुजी का इंडिकेशन नहीं होता, तो मैं वैसा कुछ नहीं करना चाहती थी, मैं मालिक के हुक्म के अनुसार ही चलना चाहती थी। तो गुरुजी से जब बात करी तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं एक सत्संग सुनूंगी और उसी सत्संग में मेरा जवाब होगा, बस बात खत्म। तो संगत जी मैंने बस ये पहले भी मेरे साथ हो चुका है एक बार, तो मैंने बस सत्संग सुना जो मेरे सामने आया, और वो सत्संग था 25 मिनट का, और वो एक नई संगत का सत्संग था। मैंने कहा मैं इसको बिल्कुल रिवाइंड या कुछ नहीं करूंगी, मैं पूरा सुनूंगी। उन्होंने अपनी कहानी शुरू करी, उन्होंने अपना सत्संग कहना शुरू किया, ठीक है मैं सुनती रही। मैंने कहा पता नहीं क्यों मेरे अंदर से बहुत एक स्ट्रांग आवाज आई कि अगर मेरा आंसर मुझे मिलना है तो इसी सत्संग से मुझे मिलेगा। एंड संगत जी यू वोंट बिलीव इट, आई मीन ये गुरुजी, दिस इज गुरुजी फॉर ऑल ऑफ अस। आफ्टर 15 मिनट्स में भी वो संगत जी अपनी बेटी के कॉलेज के बारे बोलना शुरू करती हैं, और उनके कॉलेज का नाम वही होता है जो एक नया स्कूल हम सोच रहे थे मेरे बेटे का, एग्जैक्टली वही नाम वो अपनी बेटी के कॉलेज का लेती हैं, और वो पूरा का पूरा नाम स्कूल का एग्जैक्टली वही है जो सेकंड स्कूल हम सोच रहे थे बेटे का कि यहाँ पे हम एडमिशन करवाएं या नहीं करवाएं। गुरुजी ने स्कूल ब्लेस कर दिया। तो ये सिटी बैंगलोर, हैदराबाद, हमारा ट्रांसफर, हमारी जिंदगी, सब इट हैड नो मीनिंग नाउ जब स्कूल ही ब्लेस कर दिया। और एक और संगत है, एक सरिता आंटी, उन्होंने भी इसी स्कूल का नाम लिया था एक महीना पहले, और पता नहीं क्यों, मैंने इग्नोर तो नहीं किया, मुझे पसंद था ये स्कूल, लेकिन हमारा नुकसान होना था, हमने दूसरे स्कूल के साथ एडमिशन करा के अपना नुकसान करवा लिया, और फिर हम वापस संगत के थ्रू जो स्कूल मेंशन था उसी में आए, और इसमें गुरुजी का स्टैम्प ठप्पा लग गया था थ्रू दिस सत्संग। सो शुक्राना टू गुरुजी, इतना क्लियर कम्युनिकेशन, इतना क्लियर इंडिकेशन। अगर बाई चांस मुझे वो नाम सुनाई देता तो शायद मैं उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती, लेकिन क्योंकि मैंने वो सत्संग ऑन ही किया था, इसलिए क्योंकि पूरे बिलीफ के साथ कि इसी में मेरा आंसर है। एंड ऐसा क्यों है ये ऐसा रोज हर सत्संग सुनते वक्त तो नहीं आता, तो ये गुरुजी के इंडिकेशंस हैं, ये गुरुजी का एक वे है जब आपके अंदर एक डीप एक स्ट्रांग थॉट डाल देते हैं गुरुजी कभी कभी, तो ये बाद में पता चलता है कि ये गुरुजी का ही कम्युनिकेशन था। तो शुक्राना टू गुरुजी, गुरुजी ऐसे अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको अगर कोई सच में सपोर्ट की जरूरत है होती है तो वो सपोर्ट देते हैं, और जबकि हम गुरुजी को छोटी छोटी बातों के लिए डिस्टर्ब करते रहते हैं, क्योंकि गुरुजी की ये लाइन नहीं, मतलब ये तो छोटी छोटी बातें हैं, गुरुजी तो यहाँ पे आए थे हमारा स्पिरिचुअल एलिवेशन करना, लेकिन हम गुरुजी को अपने हर बात के लिए इन्वॉल्व करते हैं, हमारी ज़िंदगी वही चलाते हैं, वो फ्रंट सीट पे ड्राइवर सीट पे गुरुजी बैठे हुए हैं और हर चीज़ वही चला रहे हैं। एंड संगत जी मैं एक और आपको जल्दी से सत्संग सुनाने की कोशिश करती हूँ। जब मैं बैंगलोर से आई तो उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दो साल पहले मैं
2020 में हम लोग यूके से बैंगलोर शिफ्ट हुए थे कोविड के बीच में, और वहाँ पे भी गुरुजी ने कोविड के बीच में अपनी बेटी का इतना ब्यूटीफुल फेयरवेल करवाया था। वो तो गुरुजी की दुनिया में जो उतर जाए वो समझ सकता है कि जो नामुमकिन सी चीज़ होती है वो गुरुजी करवा देते हैं। तो खैर वो मैंने पहले की सत्संग में शेयर किया हुआ है, लेकिन उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी। मैं इस बार डिटेल में थोड़ा सा जाती हूँ। जब बैंगलोर से शिफ्ट हो रही थी तो मैं कोविड के बीच में बैंगलोर आई थी, और ऑलमोस्ट कोविड चल ही रहा था। फरवरी मार्च तक थोड़ा थोड़ा खत्म हो गया था कोविड, और बस हमारा हैदराबाद ट्रांसफर हो गया। तो मन ही मन में मैं सोच रही थी कि मैं चुपके से बैंगलोर आई और चुपके से निकल जाऊंगी इस सिटी से। मैं किसी संगत से मिल नहीं पाई, और मैं कुछ मतलब कर नहीं पाई इस सिटी में, और कुछ लोग जानते हैं कि मैं बैंगलोर में हूँ, लेकिन सडनली मैं हैदराबाद चली जाऊंगी। तो ठीक है, जैसे गुरुजी की मर्जी। मेरा मन था कि मैं फिजिकल सत्संग अटेंड करूँ, क्योंकि अभी तो सत्संग अटेंड करना मतलब शुरू हुआ है आफ्टर कोविड। तो संगत जी, यू वोंट बिलीव, 14th ऑफ अप्रैल को गुरुजी का जो बहुत बैसाखी दिवस था, बहुत ही ग्रैंड वे में मनाया जाता है। तब तक लेकिन हमारी कार नहीं आई थी, हमारी कार बुक थी, लेकिन उसका वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा था, चिप की प्रॉब्लम चल रही थी लास्ट ईयर, इसलिए तो हमारी कार नहीं आई थी। और हस्बैंड थोड़ा मना करते थे कि अंकल मना करते थे कि टैक्सी लेके कहाँ जाना है, मुझे ज़्यादा बैंगलोर के बारे पता भी नहीं है। तो इसलिए वो मुझे लग रहा था कि बैसाखी का सत्संग तो है, एक होटल में भी है, लेकिन पता नहीं मैं जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, कैसे होगा। मुझे तो लग रहा था जैसे मैं नहीं जा पाऊँगी, लेकिन वो बैसाखी का जो सत्संग था, जब मैंने एड्रेस चेक भी किया तो उसका फ़ायदा नहीं था, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ पे है वो जो एड्रेस है। तो मेरे अंकल जब घर पे आए तो मैंने उनको बताया कि ये एड्रेस पे देखो ना सत्संग हो रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कैसे जाऊँ, मैं जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि अभी तक हमारी कार भी नहीं आई है। तो मेरे अंकल कहते हैं कि ये जो एड्रेस तुम दिखा रही हो, ये हमारे घर से 150 मीटर्स की दूरी पर है, 150 मीटर्स की दूरी पे है। तो गुरुजी ने वो सत्संग अटेंड करवाया, मेरा ड्रीम पूरा करवाया, जब मैं बैंगलोर की संगत से मिल पाई, और वो भी इतने बिग स्केल पे, जब मैंने बैसाखी का ग्रैंड सत्संग बैंगलोर में अटेंड किया। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात एक और है, जो हमारी कार आई नहीं थी, उसकी डिलीवरी हमारी 13th अप्रैल को हुई। 13th अप्रैल को हमने कार की डिलीवरी ली, जो बिल्कुल प्लान नहीं था। 13th अप्रैल को कार की डिलीवरी ली, और गुरुजी मेड श्योर कि ये जो ब्लेस्ड कार है, उसका भी मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ कि वो ब्लेस्ड कार क्यों है। वो ब्लेस्ड कार सीधा पहली बार सत्संग के में गई। इनफैक्ट मेरे अंकल का बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था, और वो बोल रहे थे मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकता, तुम टैक्सी में जा सकती हो, बारिश भी हो रही थी उस दिन, तो 150 मीटर्स 200 मीटर्स चलना भी मुश्किल हो गया था, तो टैक्सी मंगवा लो यहाँ से वहाँ चली जाओ, कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं जाऊँगी इस सत्संग में तो इसी कार में जाऊँगी, ये गुरुजी ने ब्लेस करवाई है, मुझे प्लीज़ छोड़ दो और वापस आ जाओ, बस 5 मिनट अपनी मीटिंग से निकाल लो। तो गुरुजी ने वो भी किया कि उसी कार में मैं सत्संग गई हूँ, वो कार भी ब्लेस करवा के फिर मेरे अंकल वापस आए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन कि गुरुजी इतना सोचते हैं, इतनी डिटेल्स, इतनी खुशियाँ देते हैं, मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं, बहुत बहुत बड़ा दिन था वो मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात, वो जो कार है वो ब्लेस्ड है संगत जी, ये मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि जब हम कोविड में आए तो उसके बाद कुछ चिप की प्रॉब्लम चल रही थी, तो हमने कार बुकिंग में भी थोड़ी सी डिले खैर अपनी तरफ से भी की थी, लेकिन जब हमने कार बुक करी तो चिप की प्रॉब्लम चल रही थी, और कोई कार नहीं मिल रही थी मार्केट में, सिर्फ एक कार की डिलीवरी 2.5-3 मंथ्स में हो रही थी, तो हमने वो वाली कार बुक कर दी थी। बुक करने के बाद हमने एक और कार देखी जो लॉन्च हुई थी लास्ट अक्टूबर में, और मैंने सोचा अरे वाह, इस कार का तो नाम ही 700 है, तो ये तो कार ही मतलब गुरुजी की तो ब्लेस, ये तो कार ही गुरुजी की ब्लेस निकली है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि कार का नंबर 7 हो जाए, या कहीं पे हमको नंबर 7 दिख जाए तो वो गुरुजी की ब्लेस नंबर होता है, लेकिन वो कार का नंबर ही 700 था। तो खैर फॉरगेट इट कि कौन सी कार थी, लेकिन मैं सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसे मैंने थॉट सिर्फ अपने मन में डाला कि ये तो कार की सीरीज ही ब्लेस्ड है, ये तो मॉडल ही ब्लेस्ड है, तो बस इतना सोचा मैंने। एंड आफ्टर फ्यू वीक्स जब कार मिल हमारी आने वाली थी, जो पहले वाली बुक थी, तो लेकिन वो डिले किए जा रहे थे, 15 दिन 20 दिन 1 महीना और ऐसे करके डिले किए जा रहे थे। तो सडनली मेरे अंकल ने बोला कि मैंने दूसरी कार मंगवाई है टेस्ट ड्राइव के लिए। तो मैंने कहा क्यों मंगवाई, जब हम कार तो बुक कर चुके हैं तो दूसरी कार क्यों मंगवाई। बोलते नहीं, वो कार मैं अभी वो करने वाला हूँ, कैंसिल करने वाला हूँ आज ही,
तो मैंने कहा कैंसिल क्यों, जबकि कार मिल नहीं रही है मार्केट में, बड़ी मुश्किल से हमारी कार आ रही है और वो कैंसिलेशन का सोचना ही क्यों, हमको तो कार चाहिए ना जल्दी से एक। तो वो बोलते नहीं नहीं वो कार मैं नहीं ले रहा, मुझे अगर ये कार मिलती है तो ले लेता हूँ। एंड वो कार एग्जैक्टली वही थी, 700 वाली सीरीज थी, एंड इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मैंने ये अपने थॉट मेरे अंकल को भी नहीं शेयर किए होंगे मैंने, और वो कहाँ हमारी जो कार आने वाली थी वो कैंसिल हुई, ये कार बुक हुई। और संगत जी ये कार ऐसे बुक हुई कि बस हमारी कार 4 महीनों या 5 महीनों के अंदर हमारी कार हमको मिल गई, जबकि अभी उस कार की वेटिंग 2 साल से ऊपर है। तो ये तो गुरुजी हैं जो इन्होंने हमको झट से कार दिलवा दी, अपने पसंद की ब्लेस्ड कार दिलवा दी, जस्ट बिकॉज आई गॉट अ थॉट अबाउट दैट कार। एंड मुझे तो यही लगता है, क्योंकि और तो कोई रीज़न नहीं था, वो कार ना हमारे प्लानिंग में थी, ना हमने सोचा था कि हमने वो कार खरीदनी है, और हमें जल्द से जल्द एक कार चाहिए थी। तो वो 13th of April को उस कार की डिलीवरी होती है, 14th of April गुरुजी एक सत्संग ब्लेस करते हैं आफ्टर टू ईयर्स, एंड सीधा का सीधा वो ब्लेस्ड डे था। एंड ये सब गुरुजी की दुनिया में ही हो सकता है और वही फील कर सकता है जो गुरुजी से जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है। खैर मैं तो, मुझे तो लगता है कि मैं उतनी जुड़ी नहीं हुई हूँ, मुझे और जुड़ना है। कई संगत का सुनती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, वो बहुत ही जुड़े हुए हैं गुरुजी से, मुझे गुरुजी अपने से और जुड़े, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अभी और भी कसर बाकी है, मुझे और गुरुजी की दुनिया से जुड़ना है, गुरुजी से जुड़ना है और गुरुजी पे मेडिटेट भी करना है। सो इतना इमेंस ब्लेसिंग होती है, जबकि मैं कभी भी, अगर आप मेरे पिछले सत्संग सुनोगे तो मैंने कभी भी कोई भी एक किसी वस्तु के बारे या कोई भी एक जो एक सांसारिक यू नो सत्संग होता है, किसी प्रोडक्ट के बारे मैंने कभी शेयर नहीं किया। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जो मेरे आध्यात्मिक ग्रोथ हुई है, जो मेरा आध्यात्मिक एक 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 ब्लेस्ड मुझे फील ब्लेसिंग फील होती है, मैं उसी के बारे शेयर करूँ। लेकिन ये तो गुरुजी का ही था, गुरुजी टेक्स केयर ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। एंड गुरुजी इसी बात पे मुझे एक और सत्संग शेयर करवा रहे हैं, और ये भी एक चीज़ के बारे सत्संग है। तो एक मेरी अंदर ही अंदर ख्वाहिश थी, मुझे बोलने में भी थोड़ी सी शर्म आती है, कि मैं अंदर ही अंदर ख्वाहिश थी कि मेरा बैंगलोर में बहुत मन था कि मैं संगत से मिलूं, एंड एक फनी सा एक डिज़ायर था मेरे अंदर कि मैं किसी बुटीक से एक सूट सिलवाऊं। मुझे ना हाई एंड बुटीक से वहाँ पे मुझे कुछ अच्छे अच्छे सूट सिलवाने थे, 2 साल कोविड में भी ऐसे बोर हो गई थी और मुझे अच्छे अच्छे सूट सिलवाने थे। ये मेरे अंदर का थॉट था, ये और किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। लेकिन ये क्योंकि सत्संग बन चुका है, इसलिए मैं सारी संगत से, सारी दुनिया से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी शेयर करवा रहे हैं गुरुजी ने कैसे एक मन की ख्वाहिश पूरी करी। तो हमारा ट्रांसफर हो चुका था, तो गुरुजी लास्ट मिनट में मेरे जो ट्रक आ रहा था सामान हमारा लादने, उसके एक हफ्ता 5 या 6 दिन पहले गुरुजी मुझे एक और संगत से बात करवाते हैं, और उस संगत का भी दिल था और हम दोनों का दिल था कि हम आपस में मिलें, लेकिन मिल नहीं पा रहे थे कोविड के चक्कर में। तो मैंने उनको फ़ोन मिलाया और उन्होंने प्रपोज़ किया कि एक सत्संग होता है एक आंटी के घर पे, परमानेंट उनके घर दीवान गुरुजी का सजा हुआ है, दरबार लगा हुआ है, और वहाँ पे वो जाती हैं एवरी मंडे, तो मुझे उनके साथ अगर जाना है तो मैं जा सकती हूँ। एंड इमीजिएटली मैंने कहा यस डेफिनेटली, मैं तो ऑलरेडी सोच रही हूँ कि कुछ गिनी चुनी संगत मेरे मन में थी, अपार्ट फ्रॉम बैंगलोर संगत कुछ गिनी चुनी संगत मेरे मन में था कि मुझे इस आंटी से पता नहीं क्यों मिलने का दिल कर रहा है, ऐसे 5-6 कुछ आंटीज थी। एंड मैं उस सत्संग में जाती हूँ, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा दरबार है उस आंटी के घर में, परमानेंट दरबार है। एंड मैं उन संगत से मिलती हूँ जिनका मेरे मिलने के लिए बहुत दिल था 2 सालों से, जिनसे फ़ोन पे बात हुई थी, थोड़ा थोड़ा यू नो बात हो चुकी थी, उन सब से मिलती हूँ। मेरे हैदराबाद आने से 5 दिन पहले गुरुजी मेरी ये ख्वाहिश पूरी करते हैं, एंड यू वोंट बिलीव इट संगत जी, गुरुजी मेरी कौन सी और ख्वाहिश पूरी करते हैं। उसी संगत आंटी जिनके घर परमानेंट दरबार था, शी ऑल्सो रन्स अ बुटीक, अ वेरी ब्यूटिफुल वन, अ वेरी वेरी अमेजिंग बुटीक, बहुत फेमस है वहाँ का। मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैं बैंगलोर संगत को ठीक से जानती भी नहीं थी, और मैं उनके घर जाती हूँ, हम बहुत जल्दी पहुँचते हैं, गुरु जी हमको जल्दी पहुँचाते हैं, और इतना जल्दी पहुँचाते हैं कि मुझे इतना टाइम मिल जाता है कि मैं एक सूट पसंद करूँ उनकी बुटीक से। वही मुझे बताती हैं, एक ही सूट बताती हैं कि इस टाइप का सूट देखो आजकल चल रहा है। मैंने कहा आंटी बस ये आप सी दीजिए, मुझे पसंद आता है, एक ही सूट वो दिखाती हैं और मैं उसी सूट को पसंद करती हूँ, वो मुझे कीमत बताती हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा हाई एंड है, लेकिन अब मेरी जो ख्वाहिश थी अभी लेट्स पे फॉर इट नाउ, ठीक है। एनीवे तो वो मैं बुक करती हूँ अपना सूट,
एंड चलो ये तो हो गई सूट की बात, लेकिन संगत जी मैं इसके बारे और आपको क्या बताऊं। वो जब सूट मेरे घर आता है संगत जी, तो वो सूट में इमेंस चंदन की खुशबू, चंदन की खुशबू, इतनी खुशबू, इतनी खुशबू कि मुझ जैसे तो जो तुच्छ प्राणी होते हैं ना, सबसे पहले शक करते हैं कि इतनी खुशबू, क्योंकि कई हाई एंड बुटीक्स में या कई जैसे आप शोरूम्स में भी चले जाओ तो पैकिंग के पहले क्या करते हैं वो लोग, कुछ परफ्यूम स्प्रे करते हैं और फिर पैकिंग करते हैं ब्यूटीफुली और फिर पकड़ाते हैं, है ना। तो मेरे मन में तो वही आया कि इतना हाई एंड बुटीक है तो ज़रूर वो परफ्यूम स्प्रे किया होगा या कुछ। तो मैंने आंटी से बात करी, मैंने कहा आंटी ऑफकोर्स मुझे पता था कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, क्योंकि सारी की सारी खुशबू को छोड़कर चंदन की खुशबू, और वो भी इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा। तो मैंने आंटी से बात करी और आंटी थोड़ी सी सरप्राइज हो गई, चुप कर गई कि बोलती है हाँ देखो फिर ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, क्योंकि उनके दरबार के बिल्कुल दूसरे कमरे में ही उनका बुटीक है। तो उन्होंने कहा तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, देखो कितना स्पेशल तुमको गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है सूट की। तो मैंने सुन लिया, लेकिन हम लोग और भी तुच्छ हूँ, मैं और भी तुच्छ हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, सूट तो आंटी ने दे दिया था लेकिन उसका दुपट्टा डाई नहीं हुआ था, तब तक मैं हैदराबाद आ चुकी थी। तो फिर हैदराबाद आने के बाद आंटी ने कहा कि मुझे अपना एड्रेस दो, मैं कुरियर करवा देती हूँ, ठीक है। तो आंटी ने जब कुरियर करवाया संगत जी इसी घर में, वो पैकेट मैंने खोला और ऐसे जैसे कि ना, जैसे पैकेट में जैसे अंदर कैद होती है, अंदर कैद है खुशबू, क्योंकि ऊपर से तो ऐसा मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ जब पैकेट पकड़ा, तो जब मैंने उसको काटा और निकाला तो ऐसे इट वॉज अ गश ऑफ चंदन की खुशबू इन द दुपट्टा ऑल्सो, दुपट्टे पे भी। तो वहीं पे मेरी थिंकिंग स्टॉप नहीं होती है कि नहीं दिस इज गुरु जी एंड लेट्स स्टॉप इट हियर। तो उनकी एक जो उनके बुटीक में काम करती हैं एक लेडी, उनका फ़ोन आता है कि आपको मिल गया है क्या कुरियर। तो मैंने कहा हाँ मिल गया है कुरियर। उन्होंने कहा अपने फ़ोटो वो भेज दीजिएगा उसका जो मिला। मैंने कहा ठीक है। तो उनको मैं पूछती हूँ क्योंकि मैंने सोचा आंटी तो बहुत हाई एंड बुटीक चलाती हैं, आंटी इतना परवाह नहीं करती होंगी, लेकिन आंटी ज़रूर जो उनके जो वहाँ पे लोग काम करते हैं वो लोग ज़रूर अच्छे से पैकिंग करते होंगे। तो मैंने इस आंटी से पूछा जो एक्चुअली पैकिंग जिन्होंने करके भेजा था, जो उनकी बुटीक में काम करती है। तो मैंने कहा आंटी ये आप पैकिंग के समय कोई अंदर परफ्यूम डालते हो क्या? तो वो चुप कर गई फ़ोन पे, वन एंड वन मिनट बोले क्या बोल रहे हो। मैंने कहा आपने कोई जैसे पैकिंग करते हो इतनी ब्यूटीफुल, तो उसके अंदर कोई परफ्यूम डाल के फिर आप पैकिंग करते हो? नहीं ऐसा तो हम ऐसा तो नहीं करते हम। तो मैंने कहा मैं क्या बताऊँ, थैंक यू सो मच आपके थ्रू गुरुजी ने इतना ब्लेस, उन्होंने खुद ही बोला कि फिर गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके पास पहुंची हैं, क्योंकि उनके बुटीक में तो सब गुरुजी को जानते ही हैं, गुरुजी का दरबार उन्हीं के बुटीक में ही है, बहुत बड़ा सा दरबार है। और संगत जी मैंने बस सिर्फ दर्शन कराने के लिए वो पैकेट यहाँ रखा है, सूट मैंने नहीं रखा। एंड गुरुजी जानते हैं कि अभी भी इसमें ये जो कोरियर आया है कितनी खुशबू आ रही है इवन राइट नाउ। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, और गुरुजी ऐसे दिखाते हैं कि ये सिर्फ मैंने एक सूट नहीं खरीदा, सिर्फ एक दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं करी कि चलो एक सूट दिख रहा है मैं बुटीक में गई और मैंने सूट खरीद लिया। गुरुजी ने मुझे ये बताया कि तेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश थी, देख तुझे मैंने अपने दरबार से सूट भेजा है, तुझे मैंने अपने दरबार से मैंने सूट भेजा है, तेरे दिल की ख्वाहिश बैंगलोर छोड़ने से पहले अपनी बेटी के दिल की ख्वाहिश मैंने पूरी करी है। तो मुझे तो यही एक मैसेज गुरुजी की तरफ से आया है, एंड शुक्राना गुरुजी। वो सूट मैं कभी कभी उसको स्मेल करती हूँ, आज भी कर रही थी, तो उसके चूड़ीदार जो नीचे पैंट से तो बहुत खुशबू आ रही है, ऊपर से थोड़ी सी मुझे कम लगी, लेकिन एनीवे इट डजेंट मैटर। बहुत 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 खुशबू वाला सूट, चंदन वाला सूट, और जबकि मैं वेरीफाई भी कर चुकी हूँ अपनी तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे कि परफ्यूम डालते हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की, गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, संगत जी बहुत ब्लेस करते हैं, एंड गुरुजी डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्टली। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आई एम अ वेरी ट्रू डिवोटी ऑफ गुरुजी एंड यू नो, ऐसा नहीं है, मेरे मन में बहुत मैल है, आई एम वेरी वेरी नॉर्मल। मैं तो मैंने जपजी साहब की सेवा करी लेकिन मैं खुद इतना पाठ नहीं करती, मैं कभी मेरा मन किया तो अमृत वेला, लेकिन अमृत वेला भी नहीं होता मेरा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एवरी वन गुरुजी मेक्स ईच वन ऑफ अस फील एज इफ बस वही है, उनकी संगत वही, उनकी बेटी है वही, स्पेशल है।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ज्यादा स्पेशल है, ये ज्यादा स्पेशल है, पुरानी संगत ज्यादा स्पेशल है, वो ज्यादा स्पेशल है, सब 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 स्पेशल है, सब स्पेशल है गुरु जी इन यूनिक वेज, सबको फील करवाते हैं कि दे आर द स्पेशल वंस, और गुरु जी ने मुझे भी फील करवाया, तो बहुत अच्छा लगता है गुरु जी की दुनिया में, बहुत ही अच्छा लगता है। इसको छोड़ के नहीं जाना चाहती, बस मेरा कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि हम लोग दुविधा वाले इंसान हैं, कभी अच्छा सोचते हैं कभी बुरा सोचते हैं, बस गुरु जी हमारा हाथ ना छोड़े, यही एक ख्वाहिश है। गुरु जी हमेशा, गुरु जी शुड ऑलवेज हैव आवर बैक, हमारे पीछे रहें, हमको डायरेक्ट करते रहें सही रास्ते पे, क्योंकि हमारे डिसीजंस गलत होते हैं टाइम बाय टाइम। सो सारी की सारी संगत इतनी स्पेशल है, इसलिए मुझे संगत के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ईच संगत ऑफ गुरु जी इज ब्लेस्ड। और सोचो अगर इतनी सारी संगत एक साथ मिल जाए और हम सत्संग करें, तो सोचो गुरु जी तो वहीं पे विराजमान होंगे ही, एंड कितनी की कितनी ब्लेसिंग्स हम सबको शेयर करके मिल सकती हैं, और इसीलिए वो एक हेवन होता है जहाँ सत्संग हो रहा होता है, इट्स अ हेवन। तो चाहे वो डिजिटल सत्संग हो, चाहे वो फिजिकल सत्संग हो, तो वी शुड ऑलवेज अटेंड सत्संग, यही एक रास्ता गुरु जी ने हमें दिखाया है। संगत जी सेवा सिमरन सत्संग, यही शुक्राना करने का एक तरीका है, और हमें सेवा सिमरन और सत्संग कभी नहीं भूलना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू गुरुजीज वडियाई, गुरुजीज ब्लेसिंग्स, किसी के लिए छोटी किसी के लिए बड़ी ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, ये मेरे लेटेस्ट सत्संग्स थे, तो मैंने सबके साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग संगत जी, फॉर ज्वाइनिंग टुडे। जय गुरुजी।